हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो चलो हम हमारे एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि हु यूज द वर्ड माइक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम, कि इनमें से किसने सबसे पहले माइक्रो वर्ड का यूज किया था। ऑप्शन है आपके पास, आपको 5 सेकेंड्स में आंसर देना है। तो आंसर है हमारा रेगनर फिश। रेगनर फिश ने सबसे पहले माइक्रो वर्ड का यूज किया था। लास्ट में जब ये वीडियो एंड हो जाएगी, आप मुझे कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताना कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करे। अगला क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी इज, कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। इनमें से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। आंसर देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, चाहे मेरी वीडियो देख लीजिए या किसी और की वीडियो देख लीजिए या खुद से चैप्टर पढ़ लीजिए, पर चैप्टर पढ़ लीजिए, वरना आपको एमसीक्यूज आपसे सॉल्व नहीं होंगे। अगला है कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ पे स्टडी होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इनकम थ्योरी में, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में, या इनमें से किसी में भी नहीं। आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर है, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। आंसर है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पर कौन सी इकोनॉमी में डिसीजन लिए जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो कौन से फैक्टर से रिलेटेड होती है। चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सबको आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, और आंसर है ऑप्शन नंबर 8, चॉइस। चॉइस हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। Which of the following statement is true? इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। Human wants are infinite, resources are limited, scarcity problem give birth to choice. चैप्टर में पढ़ाया था all of these, ये सब होता है और सारी स्टेटमेंट सही है। हमारी वॉन्ट्स भी इन्फाइनाइट है, रिसोर्सेज भी कम है, और जो प्रॉब्लम है स्केर्सिटी, उसकी वजह से चॉइस की प्रॉब्लम भी आती है। प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर, रिसोर्सेज का प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये सबको पता होगा, दे आर स्केर्स इन रिलेशन टू आर वॉन्ट्स। रिसोर्सेज जो है वो कम है हमारी वॉन्ट्स के मुकाबले, और रिसोर्सेज के बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो गया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट विच आर, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, पता होना चाहिए, चैप्टर पढ़ा है अगर आपने तो, नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लो। बताओ, वेरीफिएबल होती है, नॉट वेरीफिएबल होती है, मे और मे नॉट बी वेरीफाइड होती है, इनमें से कोई नहीं। आंसर है वेरीफिएबल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो वेरीफिएबल होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डील करते हैं, फैक्ट्स, ओपिनियंस, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ओपिनियंस, ओपिनियंस मैटर करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो ये थे आपके कुछ 10 क्वेश्चन चैप्टर 1 के। तो अगर आपको नहीं आते, आपके स्कोर कम आया है, तो आप चैप्टर पढ़ लें। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है तो बहुत अच्छी बात है ये तो, और कमेंट में मार्क्स जरूर बताना अपने। थैंक यू सो मच।